शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ट्रैक कहां पर है? पाताल पर्वत में पापा जी, बस 150 किलोमीटर की दूरी पर ही है। कितने दिनों का है? बस एक रात की ही बात है, अगली सुबह फिर आ जाऊंगी। और साथ में कौन कौन है? तुम्हारे सारे दोस्त सहेलियां सब जा रहे हैं क्या? जी आ रहे हैं ना, सना नेहा आयुष्मान सब सब है। मतलब तुम अपना ख्याल रख लोगी, यही ना? जी पापा जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। और वैसे भी इस बार करण सर ट्रैक को लीड करने वाले। काव्या, अपने पिता के बगैर आज तक कभी शहर के बाहर गई भी हो? नहीं। हमारी निगरानी के बगैर पूरी रात कभी बाहर रही हो? तो फिर तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं हां कहूंगा इस ट्रैक के लिए? जी, हर चीज की कभी ना कभी तो शुरुआत होती ही है, और फिर ट्रैक के बहाने ही सही, पहली बार हमारी काव्या अकेले घर से बाहर जाएगी। कब तक आप उसकी उंगली पकड़े रहेंगे? काव्या बड़ी हो गई है। इतनी बड़ी भी नहीं हुई है जितना आप समझ रही हैं पार्वती जी। पर उसकी बहुत इच्छा है ट्रैक पर जाने की। ठीक है फिर। अगले हफ्ते चलते हम ट्रैक पर, तुम मैं पृथ्वी, और हाँ आप भी चलिए साथ में अगर आपका मन किया तो। अपना टिफिन भी ले चलेंगे, बहुत मजे करेंगे। पर इस ट्रैक में तुम नहीं जाओगे, बोल दिए बस। बाल मुकुंद, सबसे पहले बायां पैर आगे, दाहिना पैर पीछे और आगे की तरह झुककर इस हाथ से ऐसे अंगूठे और उंगली के बीच में ये वी बनाना है, और वी के बीच में इस स्टिक को रखकर इस सफेद बॉल को, इस स्टिक को हल्के से पकड़ के इसको ऐसे धकेलना है। ये देखो, ऐसे सीधा पॉकेट में। तुम ट्राई करो। हाँ, आगे झुक के इसे वी बनाओ, थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ, स्टिक को पीछे रखो, अब यहां मारो। ओहा कुंवर जी, हम भोलेनाथ की कसम खा रहे हैं, हमसे नहीं हो पा रहा है। अरे होगा, फिर कोशिश करो। लो रखो। अब हुआ ना, चलो मैं चलता हूं। आपके भोले बाबा को कुछ कहना है मुझे, और जो कहना है वो याद आ गया। बचपन से ट्रैकिंग को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हुआ करती थी, लेकिन पता नहीं क्यों ट्रैक कंप्लीट करने का कॉन्फिडेंस अभी तक नहीं आ पाया। ओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मिनट, हाय आयुष्मान। हाय आयुष्मान, मेरे लिए एक फेवर करोगे? हाँ बोलो। क्या ऐसा हो सकता है कि हम ट्रैक साथ में कंप्लीट करें? एक मिनट काव्या, काव्या
हाय काव्या, तुम्हारा फॉर्म कहाँ है? फिल नहीं किया? ट्रैकिंग पे चल रही हो ना? बहुत मजा आने वाला है। क्या हुआ? पापा जी ने परमिशन नहीं दिया शायद। एक ही दिन की तो बात है, अगर तुम कहो तो मैं पापा जी से बात कर लूं। आयु, मैं बाद में आके बात करती हूँ। एक्सक्यूज मी, देखा फूल को देख के कैसे भवरा उड़ गया। रॉ, भवरा उड़ा नहीं बल्कि चल कर गया है। पहले काव्या को देख के दौड़ के जाता था, अभी एक्सक्यूज मी बोल के चल के गया है। तुम लोग देखना, धीरे धीरे उसके पीछे जाना ही भूल जाएगा। यू डम गर्ल्स, अब बताओ भवरा क्या करेगा? आप सोच रहे होंगे कि कितनी लालची भक्त है, हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ मांगने के लिए चली आती। पर शिव जी, आपको तो पता ही है, हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आती ही रहती है। अब आप ही बताइए कि मैं पापा जी को क्या बताऊं कि इस ट्रैक में मेरा ख्याल रखने के लिए वो है ही नहीं, बल्कि वो है जो जिंदगी भर मेरा ख्याल रखेगा। जब से वो मेरे जीवन में आए हैं ना, सब कुछ बदल गया है। ऐसा लगता है कि मेरी जितनी भी इच्छाएं हैं ना, उनको पूरा करने का जिम्मा उठा लिया है उन्होंने। वैसे तो वो जब भी सामने आते हैं ना, मेरी तो बोलती ही बंद हो जाती है, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार तो प्यार का इजहार होगा। बस आप ना पापा जी से परमिशन दिलाने में मेरी मदद कर दीजिए। शिव जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने मेरे मन में कोई बटन फिट कर दिया है? जब भी मन से याद करती हूँ वो बटन प्रेस हो जाता है और ये प्रकट हो जाते हैं। कुंडली के अनुसार तो बिटिया का विवाह का योग इसी वर्ष हो रहा है। और ग्रहों की स्थिति के अनुसार साल खत्म होने से पहले ही बिटिया के हाथ पीले हो जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है पंडित जी, लेकिन आप जरा दोबारा देख के बताइए, मेरी बिटिया के भाग्य में सुख तो लिखा है ना? कैसी है ये मन मर्जियां जो सिर्फ तुझको ही देखे, सब तैयारी हो गई है। चलिए। क्योंकि तुम ही हो, तुम ही हो।
Hi. Hi, Karan. मेरे nail extension कैसे लग रहे? Very nice. Looking good. Thank you. Karan sir, किससे बात करने में busy है? But Karan, ये अच्छा नहीं है ना कि मैं already इतना late हो चुकी हूँ. I'm so sorry. वैसे अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं. हाँ. वो दादी ने जो हमें एक साथ काम करने को कहा था, गरीबों को दान करने को, वो काम क्या आप अकेले नहीं कर सकते? I mean, मैंने सोचा अगर मैं इतनी लेट हो ही चुकी हूँ तो क्यों ना मैं क्लीन अप और फेशियल भी करवा लूं? Okay, no problem. So sweet of you. Thank you so much. अच्छा, एक और रिक्वेस्ट है छोटी सी. दादी को ना इस बात के बारे में पता नहीं चलना चाहिए. Okay, no problem. You are very sweet, Karan. I love you. Bye. Okay, see you. काव्या और करण के इस खूबसूरत प्यार को महसूस कीजिए और अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग.